हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल. ईशा मेहरा दिस साइड. अब तक की लास्ट वीडियोस में मैं आपके लिए हमेशा एक्सरसाइज लेकर आई हूँ, डाइट प्लान बताती हूँ आपको, या आपको कुछ ऐसी रेमेडीज बताती हूँ जिससे आप वेट लूज कर सकते हैं. बट मैं आपके लिए एक बहुत डिफरेंट चीज़ लेकर आई हूँ. क्या आप लोग नहाते हैं? बट ऑब्वियस है, सब लोग नहाते हैं. तो आपने कभी सोचा है कि नहाने से भी वेट लूज हो सकता है? जी हाँ, नहाने से आपका वेट लूज हो सकता है. आप सबका रूटीन नहाने का एक जैसा ही होता है, लेकिन अगर आप मेरे अकॉर्डिंग उस रूल को थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, उसमें नहाने के अपने तरीके में चेंजेस लेकर आएंगे, तो आप इजीली अपना वेट लूज कर सकेंगे नहाने के तरीके में. नहाने से आप अपना वेट लूज कर पाएंगे. जी हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. स्क्रीन पर रेड बटन है, उसको प्रेस करिए. बेल आइकन है, उसको प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आपको मेरी वीडियो की अपडेशन डे बाय डे मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे, ताकि आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख सकें. मेरी वीडियो को बहुत सारा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आपकी कुछ भी क्वेरीज होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछा करें. आपके कुछ भी क्वेरीज होती है, मैं आपको जल्द से जल्द उनका रिप्लाई करने का ट्राई करूंगी. तो मैं आपको बताती हूँ कि नहाने के तरीके से आप कैसे अपना वेट लूज कर सकते हैं. जी हाँ, नहाते सब लोग हैं, डेली रूटीन में नहाते हैं सब लोग, लेकिन अगर हम अपने उस लेवल को बढ़ा दें, लेवल को थोड़ा सा, अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री तक हम लेकर अगर जाते हैं. आपके घर में विंटर्स चल रहे हैं, दो टैप्स होते हैं. आप एक टाइम में आपके गर्म पानी आता है और एक में गीजर होता है, तो आपके नॉर्मल पानी आता है जो टंकी से कनेक्टेड होता है. तो आपको यही करना है कि आपको बहुत ठंडे पानी से भी नहीं नहाना, बहुत गर्म से भी नहीं नहाना. दोनों टैप्स को आपको ओपन करना है. नॉर्मल ठंडा पानी रखना है, नॉर्मल पानी रखना है आपको, पहले उससे नहाना है, फिर अपना टेम्परेचर स्विच करते जाना है, बढ़ाते जाना है गर्म पानी का, और धीरे धीरे आपको गर्म पानी 40 तक आ जाना है टेम्परेचर को. मतलब आपको बॉडी को फील हो कि आपको गर्म फील हो रहा है आपकी बॉडी में. अगर आप पहले ठंडे से गर्म में अगर आप रोज डेली नहाएंगे और 3-4 बार इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे, तो आपकी बॉडी को उस पानी को एक्सेप्ट करने के लिए आपका बॉडी की स्ट्रेंथ लगेगी, आपकी कैलोरीज बनोगी, आपका वेट लूज होगा. जी हाँ, सुनने में आपको अजीब लग रहा है, लेकिन जब आप इस तरीकों को करेंगे तो आप खुद नोटिस करने लगेंगे कि 1 वीक में आपने कितना ज्यादा वेट लूज कर दिया है. जी, और साथ में इससे क्या होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है. अगर हम नहाते हैं इस तरीके से तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होने लगता है. ठंडे से गर्म पानी में अगर हम नहाते हैं, 25-40 डिग्री में अगर हम नहाते हैं सेल्सियस में, तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, डाइजेशन पावर हमारा अच्छा हो जाता है, जिससे हमारा जो एक्स्ट्रा फैट है वो रिमूव होने लगता है. हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा करता है, हमारा डाइजेशन पावर बहुत अच्छा करता है. साथ ही साथ जिसको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है उसको भी कंट्रोल करता है. उसके साथ में कईयों की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है, थोड़ा सा काम करते हैं या कई बार नॉर्मली स्ट्रेस लेते हैं तो वो बहुत हार्ट बीट बहुत फास्ट होने लगती है, कभी बहुत स्लो हो जाती है, तो ये उसको मैनेज करता है, कंट्रोल में रखता है. तो आपको ये बहुत सारे फायदे करता है, ये जो वाटर थेरेपी है. अगर आप इस तरीके से नहाएंगे तो आप देखेंगे कितने ज़्यादा फायदे हैं सब चीज़ों के. आपका वेट लूज भी हो रहा है, आपका हाई ब्लड प्रेशर जो प्रॉब्लम है उसको कंट्रोल में कर रहा है, आपके सेलेलाइट्स अच्छे से वर्क कर रहे हैं, साथ में आपको जो हाई बीपी का प्रॉब्लम है वो ठीक कर रहा है, हार्ट बीट आपकी जो फास्ट हो जाती है उसको कंट्रोल कर रहा है, आपकी जो ओबेसिटी प्रॉब्लम है उसको कम कर रहा है, एक्स्ट्रा फैट आपका बॉडी का रिमूव कर रहा है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा कर रहा है. तो आपके नहाने का तरीका बस आपको थोड़ा सा चेंज करना है, और आप इस तरीके से नहा के देखिए, फिर आप खुद फील करेंगे कि जो आपको मैंने तरीका बताया था नहाने का, 1 वीक में आपने कितना ज़्यादा उससे वेट लूज करा. तो जो भी तरीका मैं आपको बताती हूँ हमेशा इजी होता है, उसको आप अपनी नॉर्मल लाइफ में लाकर आप उसको फिट रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं और वेट लूज कर सकते हैं. तो आपको मेरा तरीका कैसा लगा और वाटर थेरेपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा. मैं आप सब लोगों के जो क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर देने का जल्द से जल्द ट्राई करूंगी. आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, इस थेरेपी को अपने यूज में लाइए, और उससे क्या बेनिफिट हुआ है, आपको कुछ क्वेरीज है तो मुझसे जरूर पूछिए, अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपका वेट करूंगी आपके कमेंट्स का. मेरे चैनल को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ. तो मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर.